हेलो स्टूडेंट, केजे नॉलेज हब के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आइए आज हम लोग समान ज्ञान से संबंधित भाग एक, समान ज्ञान भाग 21 में आज 20 नए प्रश्नों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। हम बारी बारी के से आपके समक्ष जो है 20 प्रश्न रखेंगे और उनके चार ऑप्शन दिए गए हैं, आप भी इन्हें बनाने का प्रयास करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। देखते हैं, पहला सवाल है, हाइपो क्या है? Na2H2O3 यानी सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फाइड और सोडियम बाइसल्फेट। तो हमारा उत्तर होगा, हाइपो जो है सोडियम थायोसल्फेट को कहा जाता है। हाइपो का रासायनिक नाम है सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायो सल्फेट। अगला सवाल है, प्रश्न संख्या 2, CNSA कहां की अंतरिक्ष एजेंसी है? ये सरकार की एक अंतरिक्ष एजेंसी है, विश्व के किसी देश का, जापान का है कि चीन का है कि रूस का है कि अमेरिका है? अमेरिका के अंतरिक्ष संगठन का नाम है नासा, रूस का ग्लासनोस, जापान का नाटसा। स्टूडेंट, उस दिन नाटसा के फुल फॉर्म में हमने थोड़ी सी गलती कर दी थी। नाटसा का फुल फॉर्म है नेशनल डेवलपमेंट स्पेस एजेंसी ऑफ जापान। CNSA जो है चीन की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है, चीन की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है। इसकी स्थापना 1993 में हुई थी। इसका फुल फॉर्म होता है चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना 1993 में हुई थी 22 अप्रैल 1993 को संस्थापित किया था चीन की सरकार ने। आप जानते हैं चीन में साम्यवादी शासन है, कम्युनिस्ट व्यवस्था है और वहां के राष्ट्रपति का नाम जो है, वहां के राष्ट्रपति वर्तमान में चीन के राष्ट्रपति हैं सिंगफिंग या जिनपिंग भी कहा जाता है उनको, जिनपिंग। अगला सवाल है, प्रश्न संख्या 3, फीफा वर्ल्ड कप का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से, टेनिस से, फुटबॉल से या हॉकी से? तो फीफा वर्ल्ड कप 1930 में संस्थापित की गई। विश्व में सबसे ज्यादा बार इस वर्ल्ड कप पर कब्जा जमाया है ब्राजील की टीम ने। वर्तमान में इसका विजेता टीम जो है फ्रांस है। 2020 में यह वर्ल्ड कप दोहा में, कतर की राजधानी दोहा में संपन्न होने वाली थी, परंतु कोरोना होने के कारण जो है इसे फरवरी में, 1 फरवरी से 11 फरवरी तक दोहा में खेला जाएगा। इसका फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन। ये जो है फुटबॉल से संबंधित है, फुटबॉल। इसकी स्थापना हुई थी 1930 में। वर्तमान चैंपियन जो है 16 का फ्रांस है, फ्रांस। और सबसे बार इस पर कब्जा जमाया है इस वर्ल्ड कप पर ब्राजील ने। ये जो वर्ल्ड कप होगा इस बार 2021 में फरवरी में, वो 17वां वर्ल्ड कप होगा, 17वां।
1930 में संस्थापित चाहे स्थापित 2024 में 17वां वर्ल्ड कप होगा 17। अब ये जो है फरवरी माह में 2021 में संपन्न होगा। अगला सवाल है, बाबर ने भारत पर प्रथम आक्रमण कब किए? 1521 में नामो निशान नहीं था बाबर का, 1523 में भी नहीं था, 1525 में भी नहीं था, 1526 में बाबर ने भारत पर आक्रमण किया था राणा सांगा के नेतृत्व में और इब्राहिम लोदी के विरोधी जो थे उनके नेतृत्व में लोदी वंश के ही उन लोगों ने बाबर को निमंत्रित किया था। और बाबर ने भारत में कुल 4 युद्ध लड़े थे 1526 में, ये इब्राहिम लोदी के साथ हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध, दूसरा 1527 में ये युद्ध जो है बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था, 1528 में बाबर ने मेदनी राय के साथ युद्ध किया था और 1529 में बाबर का युद्ध जो था अफगानों के साथ हुआ था। तो उत्तर होगा 1526। अगला सवाल है 1526 बिहार के ऊर्जा मंत्री कौन है? विजेंद्र प्रसाद यादव, रेणु देवी, विजय कुमार चौधरी या अशोक चौधरी? तो वर्तमान में जो नवंबर 2020 के चुनाव हुए हैं इसमें जो एनडीए की नई सरकार बनी है इस सरकार में वर्तमान में जो है बिहार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव हैं। विजेंद्र प्रसाद यादव हमारा उत्तर होगा, विजेंद्र प्रसाद यादव। अब हम लोग प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था। किसके द्वारा? राजकुमार शुक्ल के द्वारा, जयप्रकाश नारायण के द्वारा, राजेंद्र प्रसाद के द्वारा या सहजानंद सरस्वती के द्वारा? तो हमारा उत्तर होगा 1929 में सहजानंद सरस्वती ने बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया था और यही आगे चल करके 1936 में उन्होंने अखिल भारतीय किसान सभा का भी गठन किया था। ये बिहार के जाने माने किसान नेता थे, एक साधु थे, ठीक है, सहजानंद सरस्वती ने कब की थी? सरस्वती ने 1929 में की थी, 1829 में, ओ सॉरी 1929 में, 1929 में की थी बिहार प्रांतीय किसान सभा का। सीम का फुल फॉर्म क्या है? सीम का उपयोग आप जानते हैं सभी मोबाइलों में किया जाता है, सिम कार्ड का उपयोग, तो इसका फुल फॉर्म क्या है? 1991 में दो वैज्ञानिक जीसेक और डेवियंट ने सीम का आविष्कार किया था। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। 1991 में जीसेक और डेवियंट ने इसका आविष्कार किया था, डेवियंट। अगला सवाल है, गन पाउडर किसका मिश्रण है? गंधक का, कार्बन का और पोटेशियम का। दूसरा ऑप्शन है गंधक चारकोल और सोडा का। तीसरा ऑप्शन है गंधक रेत पोटेशियम और चारकोल का। चौथा ऑप्शन है गंधक चारकोल कार्बन और नाइट्रोजन का। तो गन पाउडर यानी बारूद ये मिश्रण होता है सल्फर का, चारकोल का और सोडा। सोडा जो है इसको इंडियन साल्टपीटर के नाम से जानते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट इसका रासायनिक नाम है, पोटेशियम नाइट्रेट
या इंडियन साल्ट पीटर के NO3। तो गन पाउडर जो है गंधक चारकोल और सोडा यानी पोटेशियम नाइट्रेट का मिश्रण है। हमारा उत्तर होगा ऑप्शन दो, गंधक चारकोल और सोडा। अगला सवाल, प्रश्न संख्या 9, अमोनियम सल्फेट का अणुसूत्र क्या है? अमोनियम सल्फेट NH42SO4, NH43SO4, NH4SO4, NH4SO23। तो अमोनियम सल्फेट का अणुसूत्र होता है NH42SO4, यानी ऑप्शन एक NH42SO4 अमोनियम सल्फेट का अणुसूत्र है। अगला सवाल है प्रश्न संख्या 10, इनमें से किसकी कोशिका सबसे सूक्ष्म होती है और वह जीवित कोशिका है? बैक्टीरिया यानी जीवाणु का, ब्रेड मोल्ड, मोल्ड आप जानते हैं कवक को दो वर्गों में बांटा गया है ईस्ट और मोल्ड में, तो ब्रेड यानी रोटी पर जो फुफद लगती है उसको ब्रेड मोल्ड कहते हैं, माइकोप्लाज्मा इसके कारण मनुष्य में न्यूमोनिया रोग होता है, वायरस, वायरस जो है इसको सजीवों और निर्जीवों के मध्य की कड़ी यानी विषाणु को कहा जाता है। तो हमारा उत्तर होगा सबसे सूक्ष्मतम जीवित कोशिका जो है माइकोप्लाज्मा की होती है। माइकोप्लाज्मा की खोज 1929 में जे नाउक ने की थी। इसमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होता है और इसको जोकर ऑफ प्लांट किंगडम के नाम से जाना जाता है, यह एक जीवाणु है। तो हमारा उत्तर होगा माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा ये न्यूमोनिया रोग का कारक है, जीवाणु है यानी बैक्टीरिया है, खोज हुई थी 1929 में, जे नोक ने की थी, जे नोक, और इसका नाम है जोकर ऑफ प्लांट किंगडम, जोकर ऑफ प्लांट किंगडम, माइकोप्लाज्मा को कहा जाता है प्लांट किंगडम। कुछ प्रकार के न्यूमोनिया के काया प्रमुख कारक होता है। तो देखते हैं प्रश्न संख्या 11 को हम लोग, प्रश्न संख्या 11 क्या है आप इसे नोट करें, प्रश्न संख्या 11, प्रश्न है सिनेमेटोग्राफ का आविष्कार किसने किया था? मणिका सेठ ने, धीरेन्द्रनाथ गांगुली ने, लूमियर ब्रदर्स यानी लूमियर बंधु ने, या दादा साहब फाल्के ने? तो 28 दिसंबर 1895 को फ्रांस के लूमियर ब्रदर्स ने सिनेमेटोग्राफ का आविष्कार किया था। हमारा उत्तर होगा लूमियर बंधु, लूमियर ब्रदर्स या लूमियर बंधो, ये फ्रांस के रहने वाले थे, फ्रांस, और जो डेट था वह था 28 दिसंबर 1895। अगला सवाल है, तीन के प्रथम पांच गुणजों का औसत क्या होगा? 7 होगा 9 होगा 10 होगा 8 होगा। तो देखते हैं औसत बराबर होता है, चूंकि औसत बराबर दी गई राशियों का योग बटे दी गई राशियों की संख्या, दी गई राशियों की संख्या। तो संख्या कितनी है? 5, प्रथम 5, 3 के प्रथम 5 गुणज, तो 3 + 6, 3 + 6, 9, 12 और 15, ये 3 के प्रथम 5 गुणज हैं, यानी 3 का पहला, 3 का 3, 3 6, 3 3 9, 3 4 के 12, 3 5 15, तो 3 6 9 9 18 12 30 और 15, 45 / 5, 5 9
45, यानी हमारा आंसर जो है ऑप्शन दो होगा, 9 आंसर होगा। अगला सवाल है, इनमें से कौन सी धातु ऑक्सीजन के साथ तीव्र गति से अभिक्रिया करती है? मैग्नीशियम, कॉपर, लोहा, जिंक, ये चारों के चारों धातुएं हैं और चारों जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती हैं, लेकिन तीव्र गति से कौन अभिक्रिया करती है? तो उत्तर होगा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम बहुत ही तेज गति के साथ ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है, मैग्नीशियम यानी एमजी। अगला सवाल है, प्रश्न संख्या 14, विद्युत आवेश का मात्रक क्या है? हेनरी, एम्पियर, कूलॉम, इनमें से सभी। तो देखते हैं, आवेश का मात्रक कूलॉम होता है। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश का जो मान होता है 1.6×10⁻¹⁹ कूलॉम होता है। तो हमारा उत्तर होगा कूलॉम। इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान होता है 1.6×10⁻¹⁹ कूलॉम। अगला सवाल है, प्रश्न संख्या 15, बीसीजी का टीका किस रोग से बचने के लिए दिया जाता है? खसरा, क्षय रोग, मिजिल्स या पोलियो? आप ध्यान से देखिए, पोलियो, मिजिल्स और खसरा, ये तीनों विषाणु जनित रोग हैं, वायरस से होने वाली बीमारी हैं, जबकि क्षय रोग यानी टीबी ये बैक्टीरिया के द्वारा होने वाली बीमारी है। इसका कारक जो है बैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है। क्षय रोग से बचने के लिए बीसीजी के टीके का को दिया जाता है बच्चों को। तो उत्तर होगा क्षय रोग से बचने के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। प्रश्न संख्या 16 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 16 14400 को डिवाइड किया गया है 64 से। 14400 को भाग किया गया है 64 से, डिवाइडेड बाय 9 इक्वल व्हाट? तो 14400 बटे 64 डिवाइड बाय 9। पहले इसको देखते हैं, 8×8=64, 8×8 8×8=64, ये 4×8, 8 से तो कटेगा ही, 8 से 8×16 2×20 कट जाएगा, 8 से देखते हैं, 8×16 2×20, 8×16 8×5=40, 225 मरतबे। तो हमारे पास बचा 225 डिवाइडेड बाय 9 बराबर हो जाएगा 225/9, 25×9=225 बराबर 25। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन एक है 23, ऑप्शन दो है 27, ऑप्शन तीन है 29 और ऑप्शन चार है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। ये हमारे किसी भी ऑप्शन में 25 नहीं है, तो हमारा उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल है, अस्त होते समय सूर्य लाल रंग का दिखाई देता है या उगते समय सूर्य लाल रंग का दिखाई देता है या आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, क्यों? इन सब के पीछे एक भौतिक कारण है, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का अपवर्तन या प्रकाश का विवर्तन। तो हमारा उत्तर होगा प्रकाश के प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट के चलते जो है सूर्य जो है डूबते और उगते समय लाल दिखाई देता है और आकाश नीला दिखाई देता है। उत्तर होगा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण।
प्रकीर्णन के कारण। अगला सवाल है, हाइड्रोजन परमाणु का व्यास कितना होता है? 7 × 10 रेस्ट टू दी पावर 10 रेस्ट टू दी पावर माइनस 11, 7 × 10 रेस्ट टू दी पावर माइनस 11 मीटर, 6 × 10 रेस्ट टू दी पावर माइनस 11 मीटर, 5 × 10 रेस्ट टू दी पावर माइनस 11 मीटर या 4 × 10 रेस्ट टू दी पावर माइनस 11 मीटर। तो हमारा उत्तर होगा हाइड्रोजन परमाणु का रेडियस जो होता है 6 × 10 रेस्ट टू दी पावर माइनस 11 मीटर के बराबर होता है। अगला सवाल है, सी ऑफ ट्रिंकुलिटी कहाँ अवस्थित है? पृथ्वी पर, चंद्रमा पर, बुध पर या मंगल पर? तो वह स्थान जहां 11 जुलाई 1969 को अमेरिकी अंतरिक्षयान अपोलो 11 उतरी थी, जिसमें नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर पहला कदम रखे थे, उस जगह का नाम दिया गया सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। तो हमारा उत्तर होगा चंद्रमा पर। अगला सवाल है, एक बार किसके बराबर होता है? 10^7 पास्कल, 10^5 पास्कल, 10^-5 पास्कल, 10^4 पास्कल, यानी 10^7 पास्कल के बराबर, 10^5 पास्कल के बराबर, 10^-5 पास्कल के बराबर या 10^4 पास्कल के बराबर। तो हमारा उत्तर होगा एक बार बराबर 10^5 पास्कल। इसका जो SI यूनिट होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है, एन एम के पावर माइनस 2 होता है। तो हमारा उत्तर होगा 10^5 पास्कल के बराबर होगा। तो इस प्रकार आज हमने स्टूडेंट आपके समक्ष 20 प्रश्नों को प्रस्तुत किया। अगर किसी तरह की कठिनाई हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट करें, हम आपके समस्या का समाधान करने के लिए प्रयास करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, अगले वीडियो का इंतजार करें। धन्यवाद।